मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कारी इरफान सईद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशरो होंगे। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। आज का हमारा जो मौजू है उल्टी के हवाले से है। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि साहब बाज़ दफ़ा उल्टी की ज़्यादा तकलीफ हो तो अंग्रेज़ी मेडिसिन या दवाएं इस्तेमाल करके फिर भी वो उल्टी ख़त्म नहीं होती, यानी बाज़ दफ़ा एक एक हफ्ते तक भी उल्टी होती है। आज ही सुबह एक साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने तो कहा कि साहब मेरी बच्ची 8 साल की है, उनके लिए कोई इलाज तजवीज़ फरमाए। तो मैंने उनको बताया कि लौंग लेकर उसका पाउडर बनाए, 2 अदद लौंग के बराबर पाउडर हो और शहद में मिक्स करके उसको चटवा दें और ऊपर से चाय पिलाएं। 1 घंटे के अंदर 3 दफ़ा कम से कम ये इस्तेमाल करवाएं, यानी 6 लौंग शहद के अंदर 1 घंटे के अंदर चटवाने हैं और 3 बार चाय पिलानी है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से पहले तो इसी नुस्खे से 100% रिजल्ट होगा। अगर इसके बावजूद भी कुछ तकलीफ बाकी रहे तो अनारदाना आधा चमचा, पुदीना खुश्क आधा चमचा, इलायची छोटी 6 अदद, इसको पानी के अंदर डालकर उबालें, पकाएं हत्ता के ये जो शादा बन जाए। फिर इसके अंदर शक्कर हसबे ज़रूरत डालकर ये इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह सुबह से शाम तक इनके इस्तेमाल से 100% अल्लाह की रहमत से उल्टी बंद हो जाएगी और तकलीफ से निजात होगी। ये मुख्तसर प्रोग्राम है। अगर कोई दोस्त को परेशानी हो तो खुद ये इलाज अपना करके जब उसको फ़ायदा हो तो अपने तमाम दोस्तों को हमारी इस वीडियो के बारे में बताएं और हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि आपके तमाम दोस्त हमारे चैनल से मुस्तफीज हो सकें। जज़ाकअल्लाह।